प्यारे बच्चों नमस्कार। आपको हायर मैथ आपको इस एयर फोर्स मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लिमिट का प्रॉपर्टी टू। जाहिर है आपको वीडियो वन आपको देखे होंगे, प्रॉपर्टी वन का वीडियो आप जरूर देखे होंगे। देखिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरा सेटअप उतना अच्छा नहीं है, इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन आपको जरूर यहाँ कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। चलिए दोस्तों और प्रॉपर्टी टू स्टार्ट करते हैं। कल हम पढ़े थे एक प्रॉपर्टी के बारे में कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स को हम क्या लिखते थे, साइन एक्स अपॉन एक्स को हम लिखते थे वन लिखते थे। और इसका हम शॉर्ट ट्रिक बताए थे आपको कि साइन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स रहेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको एक्स के बराबर लिख सकते हैं। इस पर आपको कल क्वेश्चन भी कराए थे और ये भी बताए थे कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स बराबर एक्स, इस पर भी क्वेश्चन कराए थे। और एक ये वाला लिमिट बताए थे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस ऑफ ए एक्स माइनस कॉस ऑफ बी एक्स अपॉन टू इक्वल टू, इसका क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू, ऐसा आपको कुछ बताए थे हम। ठीक है, आपको जाहिर है हमारा कल का वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, देखिए आज हम इस एक नया प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, लिमिट से ही रिलेटेड नया प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। और देखिए हम आपको पढ़ाते हैं लिमिट से रिलेटेड नया प्रॉपर्टी आज। हाँ तो ठीक है दोस्तों, आते हैं। यहाँ पे एक्चुअली दो नहीं था, एक्स स्क्वायर था। ठीक है, तो आते एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं लिमिट से रिलेटेड आज की लिमिट। ठीक है, लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी का, जो इन्फिनिटी को टेंड करेगा ये हमारा प्रॉपर्टी टू होगा। ठीक है, देखिए आप हमारे वीडियो देखेंगे आपको लिमिट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस पर आप कंसेप्ट देखिए, इस पर जितना हो सके उतना क्वेश्चन बनाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम पढ़ते हैं। तो देखिए कंसेप्ट यही है कि एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, और कोई कहता है क्वेश्चन में एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है तो हम पुट करेंगे एक्स के जगह पे वन अपॉन वाई। ठीक है, अगर वन अपॉन वाई पुट करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, वाई को हम जीरो के प्रति टेंड करना पड़ेगा, यानी जीरो के लॉन्ग टेंड करना पड़ेगा। देखिए अगर वाई यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे अगर जीरो डालेंगे यानी वन अपॉन जीरो क्या आ जाएगा, वन अपॉन जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, ये तो पता ही आपको सबको, और जीरो अपॉन वन तो जीरो ही होता है। ठीक है, और वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। ये सब छोटे छोटे बात है, सबको पता रहता है इसे। देखिए तो देखिए एक एक क्वेश्चन देखिए, लिमिट वाई टेंस टू जीरो और इस तरह साइन वन अपॉन वाई अपॉन वन अपॉन वाई। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, लिमिट वाई टेंस टू जीरो, इस वाई को ऊपर कर देंगे। ठीक है, इस वाले वाई को ऊपर कर देंगे और यहाँ लिखेंगे साइन वन अपॉन वाई। ठीक है, साइन वन अपॉन वाई, साइन वन अपॉन वाई हो जाएगा। देखिए तो इसके जब यहाँ पे क्या लिखते हैं, वाई के जब जीरो डालते हैं और वाई के जब जीरो डालते हैं और इस वाई पे भी जीरो डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन वाई जीरो इंटू साइन इन्फिनिटी। और देखिए आपको पता होगा कि साइन का वैल्यू जो होता है ना, साइन का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू वन से माइनस वन के बीच होता है, वन से माइनस वन के बीच होता है। और वन से माइनस वन एक फाइनाइट नंबर है, ये एक फाइनाइट है, तो पता है जीरो इंटू फाइनाइट क्या होगा, कोई फाइनाइट नंबर आएगा, जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो से एग्जैक्ट जीरो है, एग्जैक्ट जीरो है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आपको जीरो हो जाएगा। यानी देखिए ये भी प्रॉपर्टी याद कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ऑफ वन अपॉन एक्स ऑन वन अपॉन एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। देखिए आपको फिर से क्वेश्चन बनाते हैं और उसके बाद एक कंसेप्ट बताएंगे आपको। देखिए लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी इस तरह दिया, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, क्वेश्चन होगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी और इसको फैक्टराइज करेंगे। देखिए इसको फैक्टराइज करेंगे, सिक्स को क्या लिख सकते हैं, थ्री इंटू टू, थ्री इंटू टू, और यहाँ प्लस करके लाना है, फैक्टराइजेशन प्लस करके लाना है, तो थ्री भी प्लस में जाएगा और टू भी प्लस में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू और एक्स प्लस थ्री। सिमिलरली नीचे करेंगे क्या होगा, ये भी थ्री इंटू टू होगा, एक माइनस करके लाना है आपको, फैक्टराइजेशन माइनस करके लाना है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके साथ, फैक्टराइजेशन माइनस करके लाना है तो यहाँ प्लस साइन है, तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस टू, ये से ये कट जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू। ठीक है, और हम दोनों तरफ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में एक्स से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या करते हैं, एक्स से डिवाइड करते हैं, एक्स से डिवाइड करेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी
वन प्लस टू अपॉन एक्स, वन माइनस टू अपॉन एक्स, और एक्स को जगह इन्फिनिटी जब यहाँ पर डालेंगे तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी यानी टू अपॉन इन्फिनिटी क्या जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसी तरह यहाँ भी देखिए तो क्या हो जाएगा, वन प्लस जीरो, वन माइनस जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। हाँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वन हो जाएगा, ठीक है वन हो जाएगा। और देखिए दूसरा देखिए, तो आपको यहाँ से एक प्रॉपर्टी पता चलता है, देखिए यहाँ से एक प्रॉपर्टी पता चलता है, ठीक है यहाँ से प्रॉपर्टी पता चलता है। देखिए अगर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी हो, लिमिट क्या हो एक्स टेंस टू इन्फिनिटी हो, लिमिट हो एक्स टेंस टू इन्फिनिटी और दिया हो समथिंग कोई फंक्शन एफ एक्स इसका फंक्शन हो और क्या हो जी एक्स को जी एक्स का फंक्शन हो, ठीक है तो इसको हम लिखते हैं इसका नंबर वन। देखिए अगर डिग्री ऑफ एफ एक्स, डिग्री समझते हैं या एक्स का कोई भी पावर होगा, एक्स पावर दो है तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, ठीक है उसी तरह डिग्री ऑफ और एफ एक्स बराबर होगा अगर डिग्री ऑफ जी एक्स से, ठीक है तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा कोफिशियंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ एफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ जी एक्स। देखिए इस वाले क्वेश्चन में देख रहे हैं देन इसका भी डिग्री सेम है, इसका डिग्री एक्स स्क्वायर का डिग्री है, इसका एक्स स्क्वायर का डिग्री है, दो डिग्री यहाँ भी है, दो डिग्री यहाँ भी, यहाँ पे क्या है इसका कोफिशियंट आ गया, आंसर वन आ गया है। देखिए क्वेश्चन इस तरह दिखाए थे, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो थ्री एक्स पावर फाइव प्लस कुछ भी लीजिए, सिक्स माइनस एट कुछ भी नीचे ले लीजिए, सेवन एक्स पावर फाइव प्लस एट एक्स पावर सिक्स माइनस थ्री कुछ भी ले लीजिए, ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रॉपर्टी के अनुसार, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका एक्स पावर फाइव यानी हाईएस्ट पावर फाइव है, हाईएस्ट पावर फाइव है, इसका क्या हो जाएगा कोफिशियंट, आंसर क्या हो जाएगा थ्री बाई सेवन। देखिए सिंपल है, आपको समझ में आ रहा होगा जाहिर है। देखिए दूसरा प्रॉपर्टी, देखिए इसी से रिलेटेड दूसरा प्रॉपर्टी है क्या कि अगर डिग्री ऑफ एफ एक्स बड़ा हो डिग्री ऑफ जी एक्स से, इसका आंसर क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा। इसी क्वेश्चन देखिए लिमिट हो अगर एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, सॉरी एक्स टेंस टू इन्फिनिटी होना चाहिए था, यहाँ पे इन्फिनिटी होना चाहिए था। देखिए एक्स टेंस टू इन्फिनिटी हो, ठीक है और क्वेश्चन हो एक्स पावर थ्री प्लस फाइव एक्स पावर टू प्लस फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर, इसका आंसर क्या होगा बताइए सोचिए, पॉज करके सोचिए एक बार, कमेंट में आंसर लिखिए एक बार। देखिए ऐसे क्या होगा इसका आंसर, देखिए हाईएस्ट पावर ऊपर है लोएस्ट पावर नीचे, यानी एफ एस का डिग्री ज्यादा है जी एस के डिग्री से, इसका आंसर अगर मान लीजिए आप इसको सब तरह से एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, कहाँ से आया पहले देख लीजिए, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी और एक्स स्क्वायर से सबको डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स हो जाएगा प्लस फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है सॉरी एक्स स्क्वायर से नहीं एक्स क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा आपको एक्स क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए तो एक्स क्यूब से डिवाइड कर देंगे चारों तरफ तो वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा फाइव अपॉन एक्स हो जाएगा, ये फाइव अपॉन एक्स क्यू, ये क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स क्यू, ऐसा हो जाएगा ना, समझ में आ रहा होगा। अब एक्स को इन्फिनिटी टेंड करेंगे ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा एक्स की स्क्वायर है ना, या एक्स क्यू ऊपर सॉरी एक्स क्यूब से है ना, एक्स क्यू कॉमन लिया। अच्छा देखिए एक बार काटिए इसको, वो समझा रहा है, देखिए लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है और एक्स क्यू कॉमन लेंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ से तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स क्यू, हाँ तो ठीक है सॉरी गलती हम सही किए थे, ऊपर देखिए वन प्लस फाइव अपॉन एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स क्यू अपॉन वन अपॉन एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स क्यू, ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये क्या हो जाएगा वन अपॉन जीरो क्या होता है इन्फिनिटी, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और तीसरा प्रॉपर्टी देखिए इसका क्या होगा, तीसरा प्रॉपर्टी होगा डिग्री ऑफ एफ एक्स लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको जीरो हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन समझ में आएगा तो समझ में आएगा, एक्स टू इन्फिनिटी एक्स टू पावर फाइव प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स टू पावर सिक्स माइनस एट एक्स प्लस फाइव कुछ भी ले लीजिए। देखिए तो ये हो गया,
तो अब इसमें आप क्या कीजिएगा, इसमें आप क्या कीजिएगा, इसमें आपको देखना है कि पावर किसका ज़्यादा है, नीचे वाले का पावर ज़्यादा है। अगर एक्स टू दी पावर फाइव सबसे डिवाइड कर देते हैं, सबसे डिवाइड करते हैं तो नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स टू दी फाइव, यहाँ एक एक्स बच जाएगा, दिख रहा होगा, देखिए करके दिखाते हैं। एक्स इंटू इन्फिनिटी एक्स टू पावर फाइव जो है वन हो जाएगा, प्लस फाइव अपॉन एक्स की हो जाएगा, प्लस वन अपॉन एक्स टू पावर फाइव, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर एक्स बच जाएगा, माइनस एट अपॉन एक्स टू पावर फोर, प्लस फाइव अपॉन एक्स टू पावर फाइव। और इन्फिनिटी को जिससे टेंड करवाएंगे तो ई तो जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, यहाँ क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी वन अपॉन इन्फिनिटी, वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। देखिए समझ में आ गया होगा, जाहिर समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसके इसी से रिलेटेड लिमिट से रिलेटेड आपको नया वीडियो देंगे, आपको पूरा लिमिट खत्म करवा देंगे, आपको अच्छा लगेगा, देखिए जरूर यहाँ से कुछ सीखने के लिए मिलेगा, उस पर क्वेश्चन बनाइए, गारंटी आपको फायदा होगा। चलिए थैंक यू दोस्तों।